वाइटलिस्ट 24 में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल के 108 नगर निगम के चुनाव का ऐलान होते ही सियासी कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के अंतर्गत भाटपाड़ा म्यूनिसिपैलिटी के वार्ड नंबर 8 से तृणमूल कांग्रेस के प्रार्थी हैं नूरे जमाल साहब। भाटपाड़ा म्यूनिसिपैलिटी के वार्ड नंबर 8 से नूरे जमाल साहब ने तृणमूल कांग्रेस के टिकट से अपना नामांकन पत्र भरने के लिए अपने साथियों के साथ पूर्व एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग पहुंचे। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। पार्टी जिसको डिसीजन दिया सब लोग अपना आकर नॉमिनेशन भर रहे हैं। अभी अभी हम लोगों ने रावत जी से भी सवाल किया था जी, इतनी बड़ी अकलियतों की आबादी उसमें से सिर्फ एक आदमी को, एक मुस्लिम को उम्मीदवार बनाया गया है, क्या कहेंगे इसके लिए? जो पार्टी डिसीजन लिया उसके साथ है हम लोग, फिर भी हम लोग हमारे CM के पास हम लोग अप्रोच किए हैं, देखते हैं CM क्या डिसीजन देती है। सबसे पहले मैं अपने CM के आशीर्वाद को स्वीकार किया और उनके गोद में 8 नंबर वार्ड में 1 से 35 तक सारा सीट जीत कर उनके हाथों में हम लोग देंगे। क्या पैगाम दे अपने वार्ड के? वार्ड में हम लोग शांति बनाए रखें, इलेक्शन के दिन वोट हो, सारे लोग अपना मत दें, जो काम किया हो जीतेगा। अगर 2019 के बाद से भाटपाड़ा में हम लोगों ने देखा है कि हमेशा नेगेटिव वजहों से भाटपाड़ा जाना जाता है, क्या बोलेंगे आप? तो नेगेटिव, ये जो नेगेटिव की बात कर रहे थे, इसको कौन कराता है? इसको कराता कौन है उसको नोटिस कीजिए आप लोग। कौन है इसके पीछे? इसके पीछे अर्जुन सिंह है, और कौन है? पुलिस तो तैनात रहती है, पुलिस की वजह से अभी 23 तारीख का झमेला रुक गया ना। 23 तारीख को झमेला हुआ तरुण अरुण अमित से, नाम दे रहा है क्या नूरे जमाल मुख्तार अंसारी? अरे क्या मैंने हमेशा उसके एक ही टारगेट है हिंदू मुसलमान, जो आज के दिन में हम लोग होने नहीं देंगे, इससे पहले भी होने नहीं दिया, आने वाला दिन में भी होने नहीं दिया। आज के दिन में हम लोग सारे लोग पार्टी करते हैं, व्यक्ति नहीं करते हैं, पार्टी जिसको बोला उसके समर्थन में हम लोग हैं और रहेंगे। कुछ लोग भाटपाड़ा में हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को एक दूसरे का दुश्मन बनाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को क्या बोलना चाहेंगे? ऐसे लोगों को बोलेंगे सावधान रहिए, अरे कोई नहीं देखता है तो ऊपर वाला देखता है, उसके लाठी में आवाज़ नहीं है, जिसके जिस दिन उसका लाठी पड़ जाएगा उस दिन खेला खत्म। कितना डेवलपमेंट हुआ ये बताइए? डेवलपमेंट का काम तो दीदी का जिस तरह से डेवलपमेंट हुआ है तो बोलने के लायक नहीं है, वो तो सामने है लोगों का। आप अगर जीतेंगे तो अपने वार्ड के लोगों को क्या तोहफा देंगे आने वाले दिनों में? हॉस्पिटल है, स्कूल, लाइब्रेरी, कम्युनिटी हॉल ऑलरेडी हो चुका है, हम लोग का पार्क है, मैदान है, इन सबों पर हम लोग फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे, इन्हीं सब कामों पर ज़्यादा जोर देकर इनको कंप्लीट करना। हमारे मकसूद आलम जहाँ तक हुआ वो किए हैं, उनके अधूरे काम को उनका कोऑपरेट से हम आने वाला दिन में उन कामों को मुकम्मल करेंगे। 2019 में जो दंगा हुआ था, बहुत लोगों का घर बाड़ी लूटा, क्या ऐसे लोगों को कुछ इस पर नो कमेंट? इस पर नो कमेंट मिला कुछ? हाँ मिला है, बिल्कुल मिला है। दंगा की बात आप लोग ना करें, वो दिन भूल गए हम लोग, आज के दिन में हम लोग एक साथ हैं, दंगा की बात ना कहें तो बेहतर है। भाटपाड़ा की जनता से क्या बोलेंगे? भाटपाड़ा की जनता बिल्कुल ठीक है, हम लोग सबको TMC ममता बनर्जी की पार्टी करते हैं और उनके आशीर्वाद से हम लोग भाटपाड़ा को पूरी तरीका से सुरक्षित रखें और आने वाले दिन में भी रखेंगे।